हाय गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बाकी दोस्तों मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और इस समय मैं हूँ अपनी ग्राम पंचायत बास्ती के राजस्व गांव द्वारी में, जो कि मेरा अपना पैतृक गाँव है। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों द्वारी गाँव के सबसे लास्ट तो खोपड़ा में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप नीचे देख रहे होंगे कुछ दो चार मकान जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो खोपड़ा तोक है, जो कि हमारी पंचायत का सबसे दुरुस्त तोक है। और सड़क से लगभग 300-400 मीटर नीचे मुझे जाना पड़ेगा पैदल इस तोक तक पहुँचने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ दोस्तों। पीछे आप देख सकते हैं मैंने अपनी गाड़ी जो है साइड कर ली है रोड में। मैं अभी धर्मगढ़ से यहाँ पे आया हूँ, तो निकलता हूँ खोपड़ा तोक के लोगों से, आज मैं आपको मिलाता हूँ, आप बने रहो इस ब्लॉग में। तो यार दोस्तों फाइनली मैं सड़क से नीचे खोपड़ा तोक के लिए आ गया हूँ, और उसके बाद मुझे जाना है थुचकिया, फिर जाऊँगा मैं मल्लाद्वारी। और कई दिनों से मैं आज अपने गांव का ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं चले गया था दोस्तों मुआनी अपने ससुराल की तरफ, और वहाँ के ब्लॉग आपने देखे होंगे जो शादी वाले ब्लॉग मैंने दिखाए थे। और उसके बाद हालांकि मैं गांव में लगातार आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे ब्लॉग बनाने का। तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से अपने गाँव के नज़ारे दिखाऊँ, अपने गाँव का ब्लॉग दिखाऊँ। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, और साथ में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई ब्लॉग डालूंगा आपको मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरे हर ब्लॉग को टाइम पर देख पाएंगे। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किया है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं निकलता हूँ खोपड़ा पहुँच के, आपको खोपड़ा वालों से मिलाता हूँ, आप बने रहो ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ खोपड़ा में, ये आप देख सकते हैं। इस समय मैं पी रहा हूँ यहाँ पे चाय, और हमारी पहाड़ों की एक खासियत है दोस्तों, आप लोग जहाँ भी जाते हैं गांव में तो सबसे पहले आपको चाय पीने को मिल जाती है, और वही मेरे साथ भी होता है, जहाँ भी जाता हूँ चाय मिल जाती है। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं खोपड़ा तो के, और यहाँ पर एक काम चल रहा है, एक पशुवाड़ा बन रहा है। यहाँ पर बहादुर सिंह जी रहते हैं, हमारे दाजू लगते हैं, उनका पशुवाड़ा बन रहा है मनरेगा से। तो यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं काम में, और बहादुर सिंह जी भी काम कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर लगे हैं। तो सब लोग इस समय चाय पी रहे हैं, मैं आपको मिलाता हूँ खोपड़ा वालों से, और यहाँ पे किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है खोपड़ा तोक, और यहाँ पर हमारे दाजू हैं, देखो ये बहादुरदा हैं। तो अभी ये पी रहे हैं चाय, अभी तक कंकड़ तोड़ रहे थे यहाँ पर। तो इनका पशुवाड़ा का काम चल रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बन रहा है। हालांकि मनरेगा से इसका एस्टिमेट काफ़ी छोटा था, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत बड़ी है। ये घर से भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राजमिस्त्री हैं और मजदूर हैं भी काम कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे। और फिलहाल मैं आपको यहाँ के लोगों से मिला देता हूँ सबसे। तो बहादुरदा ठीक हो रहा है फिर? हाँ बढ़िया। कितनी गाय बकरी हैं आपके पास? 6 बकरी है, 2 गाय है, और एक बछड़ा है। ये बनाने के बाद और भी पालोगे क्या बकरी? हाँ और पालना है। पक्का? पक्का। तो दोस्तों बहादुरदा का कहना है कि अभी इनके पास 6 बकरियां हैं, लेकिन जब पशुवाड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये बकरी पालन और करेंगे, यहाँ पे रोजगार करेंगे अपना घर बैठे। तो बीच में तो ज्यादा थे, बाकी बेच देते। हाँ बेच देते। तो ठीक है फिर, जगह नहीं थी ना, बकरियों का कारोबार ठीक है पहाड़ में? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा है। हाँ जी। तो यार दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ की महिलाएं भी हैं, ये सब मेरी भाभी लगते हैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ये।
और हमारे मंगलदा हैं एक। मंगलदा आप क्या सोच रहे हो? चाय पी दी? हाँ चाय पी ली। तो दोस्तों मंगलदा बोल रहे हैं एक पशुबाड़ा मेरे को भी बनाना है ऐसी, और ये भी इनके पास भी गाय बकरियां तो मेरे पास दी हैं बगार बगार तीन, तो तीन चार बकरियां इनके पास भी हैं और इनका भी पशुबाड़ा बनाया जाएगा, फिर ये भी बकरी पालेंगे, बन जाएगा अगले साल तक। हाँ बरसात से पहले पहले बन जाएगा, मई जून तक। तो ये मंगलदा हैं और यहाँ पर मोहनदा बैठे हैं हमारे। मोहनदा काम में नहीं गया आज कहीं? अच्छा बगाना के पास जाना नहीं, तो ये बकरियों के साथ जाने वाले हैं आज। और एक उद्दा रखे हैं यहाँ पर, ये नीचे रहते हैं जिनकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, अभी चाय भी रहे हैं दादाजी देखो। तो ठंडा का दिन होना उद्दा अचान खोपाड़ बंद ठंडा बहुत है, बेजान बहुत है, आग तापने रोज। हाँ बिना आग का काम नहीं चलाना वाला। और मैं दोस्तों आपको एक बच्चे से भी मिलाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कप्फू के फूल। देखो आज खोपड़ा में पूजा है, पूजा पाठ है इनके घर में। ये धना है हमारे दुर्गा सिंह जी हैं उनकी बहू। तय नाम की हो? मनीषा। ये मनीषा है लड़की, और ये देखो कप्फू के फूल लेके जा रही है मंदिर में। दिखा दे एक बार, यथका कर दें कहाँ मिला है तेनों का। तो देखो दोस्तों आजकल पहाड़ों में कप्फू के फूल खिले हुए हैं सब जगह, और ये देखो ये भाभी जी हैं दीपा देवी, और ये धनली देवी हैं उधर को जा रहे हैं, और ये सीता देवी हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो इनका ही बन रहा है दोस्तों पशुबाड़ा। क्यों कौन साला था पशुबाड़ा बड़ा है बकरा घर पाला ने कितना पानी हूँ पहाड़ पक्का पाला है। और पुरसरदा ठीक है? ठेल में कदी होना ठंड जी। बहुत होना है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखो ये पुष्करदा हैं ठेली से यहाँ रखे हैं कंकर तोड़ने के लिए, और काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ठीक हो गए मंगलदा इंडो। अच्छा फिर मिलते हैं। हाँ आपका भी पशुबाड़ा बन जाएगा ठीक है ठीक है बहुत जल्दी ठीक है सर। ओके सर ठीक है मोहनदा। हाँ हाँ ओके सर ओके ओके। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ खोपड़ा से मल्लाद्वारी की तरफ, पहले जाऊंगा मैं उद्दा लोगों के घर में। ये देखो उद्दा भी साथ में आ रहे हैं नहर आओ। और उद्दा डर रहे हैं कुत्ते को देखे, एक कुत्ता है दोस्तों यहाँ पे बहुत जबरदस्त, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे हम उसके पास में जाएंगे तो ये काटने के लिए आएगा, देखना काटना मत। हाँ अभी डर गया ये, मेरा कैमरा देख के हर कोई डर जाता है यार। ये देखो कैमरा देख के डर गया। तो यार दोस्तों फिलहाल समय हो चुका है 11 के आसपास, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। पहले जाऊँगा थुचकिया तोक में, फिर जाऊँगा मल्लाद्वारी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए आजकल हमारे पहाड़ों में हरे भरे खेत आपको दिख जाएंगे, खेतों में गेहूँ जौ सरसों जो बोया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है आजकल पहाड़ों का नज़ारा। तो दोस्तों अभी मैं खोपड़ा में उदय सिंह जी के घर में हूँ, और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे मनरेगा योजना से इनके मकान के आगे के जो खेत थे उसमें हमने काम किया, दीवारें लगाई, जिसको कृषि भूमि सुधार कार्य का नाम दिया जाता है। क्योंकि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले इनके खेत टूट गए थे, तो मैंने अपने मनरेगा योजना के माध्यम से काफ़ी अच्छी दीवारें यहाँ पर लगवा रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो इस समय जैसे हमने यहाँ पे दीवारें लगाई तो इन्होंने खेतों में आलू बो दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू बो रखा है। एक क्यारियाँ जैसी आपको दिखाई दे रही होंगी, और इधर भी आप देख सकते हैं सुंदर सी क्यारियाँ बना रखी हैं। तो इसमें लगा रखा है आलू, और ऊपर वाले खेतों में भी इन्होंने आलू लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ भी आलू लग चुका है, और इधर साइड को पीछे वहाँ पर पालक लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर हैं हमारे उदय सिंह जी, ये देखिए। तो दाजी दीवार लगाने से कुछ लाभ मिला नहीं मिला? बहुत लाभ मिला, बढ़िया। हाँ खेत बन गया, बढ़िया खेत बन गया ये। तो आलू लगा रखे हैं। जानवर कितना आता है यहाँ? जानवर तो शॉल और सुअर उंगरा आते हैं, आती है ना, बंदर आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने अपने खेतों में आलू की खेती कर ली है, और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा यहाँ पे योजना दी गई, खेत सुधारे गए, तो निश्चित तौर पर इनका भी फर्ज बनता है कि खेतों में
ये कुछ ना कुछ जो है अनाज लगाए और कुछ ना कुछ उसमें बोए ताकि उसका लाभ इनको भी मिल सके। तो दोस्तों अभी दिन के लगभग 12 बजे हैं। इस समय मैं थुसकिया में हूं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ के। और अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आ गया था तो लगभग एक घंटे से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं और अभी थोड़ी देर में मैं यहीं पे खाना खाने वाला हूं। तो फिलहाल मैं आप सभी को यहाँ के कुछ लोगों से मिलाता हूं। और ये देखिए यहाँ पे हमारी एक चाची है, हीरा देवी इनका नाम है, और ये गाय बकरियों के साथ आए हैं। कदी हैं बका था मेरे पास 1500 ले गई। तो दोस्तों ये देखो 1500 बकरियां हैं इनके पास और ये आज यहाँ पे ऊपर जंगल में इनकी बकरियां चल रही हैं और ये यहाँ पर आए हैं। ये देखो ये हैं श्री गुमान सिंह जी जो कि हमारे चाचा लगते हैं और गांव के वन पंचायत के सरपंच हैं। तो आजकल ये घर में कंगल तोड़ रहे हैं क्योंकि इनके घर के पीछे एक निकास नाली बननी है, तो सुबह से ये काम में लगे थे। तो मैं भी इनके पास बैठा था। क्यों हरन गुमान सिंह साबुन ला दे ना ओड़ियो। तो देखो चाची बोल रही कि गुमान सिंह जी साबुन से हाथ धो रहे हैं, तो बिल्कुल यार साबुन से हाथ धोना ही पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों खाने की तैयारी चल रही है और ये चाची है, इन्होंने बना रखा है खाना। फंड बना रखा है। क्या बना रखा खाने? अरे उसे करो लाभ की बना रखा खिचड़ी। तो दोस्तों इन्होंने खिचड़ी बना रखी है और आज मैं भी यहीं पे खाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ पे आ गया था 11 बजे के आसपास और उसके बाद मैं यहीं पे बैठा था, कुछ काम था यहाँ पे। तो अब खाने की तैयारी हो रही है, मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर जाऊंगा मैं अपने घर की तरफ, मल्लाद्वारी की तरफ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बनाई है इन्होंने खिचड़ी और ये देखो जोर है फंड हो जोर हो जोर क्या बनो। तो दोस्तों ये मट्ठे में जो है चावल डाल के और इसमें सारा मसाला डाल के ये बनाया जाता है, इसको जौर बोला जाता है। और ये खिचड़ी बना रखी है देखो, अभी इसमें घी डालने के लिए होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं चूल्हे में पानी गर्म हो रहा है इनका। तो मैं थोड़ा सा जौर भी खाऊंगा और थोड़ा सा खिचड़ी भी खाऊंगा, दोनों चीज का आज यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। घी देखो साथ में घी भी लागी है चाची, और इसमें जो है घी डाल के खाएंगे तो और ये ज्यादा टेस्टी होगा। तभी फंड कौन आया भाई? ये फंड जगी जोर भी ये तो मेरे को केदार ठाट कौन है फंड कौन है? अच्छा किधर जाऊँ? दूसरी चीज दियो मेरे को, वो ले दियो, वो ले दियो। ये काका है गिला पकाए है ना मेन। तो दोस्तों देखिए एक आइटम ये है और एक आइटम ये है, दोनों का आज यहाँ पे सवाल देते हैं। बस आगे आगे ज्यादा ना डालो। और दोस्तों ये देख सकते हैं खिचड़ी में घी भी पड़ गया है, तो अब खाएंगे इसको। तो यार दोस्तों फिलहाल मैं खा लेता हूँ खाना और खाना खाने के बाद फिर निकलूँगा अपने घर को। तो ये देख सकते हैं खाना मेरा रेडी है, खिचड़ी और जौर। जौर हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, चावल में मट्ठा डाल के और उसमें मसाला इत्यादि सब कुछ डाल के ये बनाया जाता है और ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बनता है। और इसमें घी भी पड़ा है, घी डालने के बाद इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यार दोस्तों अभी दिन के बज चुके हैं एक और खाना खाने के बाद मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए, मतलब कि मल्लाद्वारी तोग में मुझे जाना है जहाँ पर मेरा घर है। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा मुझे काम करना है घर में, उसके बाद फिर वापस आ जाऊँगा मैं शाम को धर्मगढ़। तो फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से और आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं छुरमलागेर पहुंचने वाला हूं। ये सामने वाला जो घर है ये छुरमलागेर है और मैं आया था अभी इधर से, यहां पे मैंने खाना खाया था। ये थुचकिया है और खोपड़ा है लास्ट उधर, और मुझे जाना है दोस्तों यहां से लास्ट में जो घर दिखाई दे रहा है इधर बीच में वहाँ पर। और मैं आप सभी को बता देता हूँ मैंने आज अपनी गाड़ी उधर खड़ी कर रखी है पत्थर खाने के जस्ट बगल में, और वहाँ से मैं ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया हूँ। और ये देखिए हरे भरे खेत, यहाँ पे खेतों में सरसों खिला हुआ है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और शाम को दोस्तों घर से मैं ऐसे आऊँगा इधर सुवाणी होते हुए छुरमलागेर आऊँगा, फिर उसके बाद
बाई रोड मुझे वहाँ तक पैदल जाना है। मतलब कि अगर मैं अपने गांव में अगर पूरा घूमना चाहूँ तो यहाँ पर जैसा कि मैं छुरमला गेर में अपनी गाड़ी लाता था वहाँ तक आता था, तो यहाँ गाड़ी लेके मुझे उल्टा खोपड़ा जाना पड़ता, फिर खोपड़ा से वापस आना पड़ता। तो मैंने सोचा कि यार गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देता हूँ, वहाँ से नीचे खोपड़ा गया, फिर आया थुचकिया, फिर आया छुरमला गेर टोक, और फिर मैं जाऊँगा मल्लाधारी टोक में। तो यार बहुत ही बड़ा गाँव है हमारा, और मैं तो कहता हूँ कि अपना जो विकासखंड है कपकोट, तो विकासखंड में 119 ग्राम पंचायतें हैं, और उन 119 ग्राम पंचायतों में से सबसे बड़ी पंचायतों में से एक हमारी पंचायत है। लगभग 7वें-8वें नंबर में हमारी पंचायत होगी जिस हिसाब से यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यार दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4 और इस समय मैं पहुंचा हूं अपने घर में। मैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर गया था, वहां पे कुछ काम चल रहा है, रास्ता वगैरह बन रहा है, तो वहां मैं गया था, तो वहां का मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अभी थोड़ा सा मौसम सही हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं मैं अपने होम स्टे के बाहर हूँ। यहाँ पर जो मेरा होम स्टे बन रहा है दोस्तों, ये अभी थोड़े दिनों से यहाँ पर काम रुका हुआ है क्योंकि पत्थर का थोड़ा सा काम रह गया था, तो पत्थर के मिस्त्री यहाँ पर मुझे नहीं मिल पा रहे थे। बाकी जो मिस्त्री मेरे पहले से यहाँ पर लगे हुए थे जिन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर काम किया पत्थर का, वो घर चले गए थे, वो नेपाल के थे। तो फिलहाल कुछ दिन यहाँ पे काम रुका हुआ है, अभी थोड़े दिनों में काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसमें छत पड़ जाएगी और उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो फिलहाल अब मुझे यहाँ से जाना है दोस्तों वापस नीचे सड़क में, और उसके बाद निकल जाऊँगा मैं घर को। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, फिलहाल इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड, और आप सभी को शायद आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग डालूंगा आपको मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे हर ब्लॉग को टाइम पर देख पाएंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। अपना प्यार अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।